नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 25 जनवरी और आज के दिन हजरत अली के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश है। तो क्या हम ये मान लें कि हजरत अली का जन्म 25 जनवरी को हुआ होगा? तो इसका उत्तर है नहीं। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हजरत अली का जन्म कब हुआ और आज यानी कि 25 जनवरी 2024 को उनका जन्मदिवस क्यों मनाया जा रहा है। कुछ लोग यह भी समझते हैं कि हजरत अली और हजरत मोहम्मद एक ही हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। हजरत अली अलग हैं और हजरत मोहम्मद अलग हैं। हजरत मोहम्मद इस्लाम के संस्थापक माने जाते हैं, यानी कि खुदा के पैगंबर माने जाते हैं, जबकि हजरत अली हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी के रूप में माने जाते हैं और पहले इमाम माने जाते हैं इस्लाम के। हजरत अली पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के चचेरे भाई भी थे और दामाद भी थे। अपनी पुत्री फातिमा का विवाह हजरत अली से किया था। इस हिसाब से हजरत मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद हजरत अली को ही उनका उत्तराधिकारी माना गया, यानी कि पहला खलीफा माना गया। तो अब बात करते हैं कि हजरत अली का जन्म कब हुआ। तो हजरत अली का जन्म हुआ था इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 13 रजब 24 हिजरी पूर्व में। तो 24 हिजरी पूर्व का मतलब क्या है, तो ये जान लें कि इस्लामी कैलेंडर यानी कि हिजरी संवत शुरू हुआ था 622 ईस्वी में, यानी कि 622 ईस्वी में वो पहला हिजरी संवत था। इस हिसाब से 24 हिजरी पूर्व यानी कि हिजरी संवत से 24 साल पहले हजरत अली का जन्म हुआ था। तो 622 में से 24 साल घटा देते हैं तो निकल के आता है 598, यानी कि 598 में हजरत अली का जन्म हुआ था। तो 13 रजब क्या है, हिजरी कैलेंडर में सातवां महीना आता है रजब के रूप में, और 13 रजब को हजरत अली का जन्म हुआ था। तो अब जो चल रहा है वर्तमान में, तो 25 जनवरी को यानी कि आज 13 रजब है, तो आज 25 जनवरी 2024 को रजब महीने का 13वां दिन है, यानी कि 12 जनवरी 2024 को रजब महीने का पहला दिन शुरू होता है। तो इस हिसाब से 12 प्लस 13 तो हो जाते हैं 25। तो 12 तारीख को शुरू हुआ और 13 में रजब को उनका जन्म हुआ, यानी कि 25 तारीख को महीने में हजरत अली का जन्म हुआ। तो इससे आप समझ गए होंगे कि आज 25 जनवरी 2024 को हजरत अली का जन्मदिवस क्यों मनाया जा रहा है या सार्वजनिक अवकाश क्यों है उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। तो पढ़ा हमने कि हजरत अली का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 13वें रजब 24 हिजरी पूर्व, यानी कि हिजरी के संवत के 24 साल पहले, यानी कि उसमें से हमने 24 माइनस कर दिए 622 में से, तो निकल के आते हैं 598, यानी कि 598 सन में उनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था मक्का के पवित्र काबा में। उनकी माता का नाम था फातिमा बिन असद और पिता का नाम था अबू तालिब। हम पढ़ चुके हैं कि हजरत अली का विवाह पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा के साथ में हुआ, जिनसे इनके 4 पुत्र पैदा हुए। हजरत अली ने अपनी पहली लड़ाई बद्र की लड़ाई लड़ी। इस बद्र की लड़ाई को इस्लाम की पहली लड़ाई माना जाता है। जब पैगंबर मोहम्मद साहब का इंतकाल हुआ था तो इस्लाम के अनुयायियों में यह मतभेद पैदा हो गया कि उनके इंतकाल के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। जो सुन्नी मत के लोग थे उनका मानना यह था कि हजरत मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद उनका उत्तराधिकारी का चुनाव होना चाहिए, लेकिन जो शिया मत के लोग थे उनका ये मानना था कि हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी उन्हीं का वंशज हो,
तो उनका वंशज के रूप में सबसे निकट संबंधी थे हजरत अली जो कि दामाद थे। इसलिए शिया मत के लोग मानते हैं कि हजरत अली ही उनके उत्तराधिकारी हैं, लेकिन सुन्नी मत के लोग प्रथम खलीफा के रूप में मानते हैं अबू बकर को। जब हजरत मोहम्मद साहब के सभी संबंधी और अनुयायी उनको दफनाने के लिए जा रहे थे, तो उसी समय सुन्नी मत के लोगों ने हजरत मोहम्मद साहब के ससुर अबू बकर को खलीफा बना दिया। इसीलिए सुन्नी मत के लोग इस्लाम का पहला खलीफा अबू बकर को मानते हैं, जबकि शिया मत के लोग अपना पहला खलीफा हजरत अली को मानते हैं। उनका मानना है कि अबू बकर को धोखे से खलीफा बना दिया गया था। शिया मत के लोग मानते हैं कि मोहम्मद साहब का वास्तविक उत्तराधिकारी उनका रिश्तेदार ही है जो कि हजरत अली हैं, और सुन्नी मत के लोग हजरत अली को चौथा खलीफा मानते हैं, यानी कि तीसरे खलीफा उस्मान की मृत्यु के बाद चौथे खलीफा के रूप में अली को मानते हैं सुन्नी मत वाले। इस्लामी सिद्धांत के अनुसार खुदा ने 12 इमाम नियुक्त किए। सबसे पहले इमाम के रूप में हजरत अली को माना जाता है और अंतिम इमाम के रूप में हजरत मेहदी को माना जाता है। लेकिन हजरत अली के एक अधिकारी माविया ने हिजरी सम्मत के 40वें और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 662 में इराक के कूफा शहर नामक एक मस्जिद में जब हजरत अली फजर की नमाज में थे, तभी माविया ने उनकी हत्या कर दी। हजरत अली के इंतकाल के बाद इनके सबसे बड़े पुत्र हसन को इमाम बनाया गया था, यानी कि हसन इस्लाम के दूसरे इमाम माने जाते हैं। इधर उमैयद वंश के माविया जिसने हजरत अली की हत्या की थी, उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है उसका पुत्र यजीद। इधर इमाम हसन के इंतकाल के बाद अगले इमाम बनते हैं उनके छोटे भाई हुसैन, यानी कि तीसरे इमाम के रूप में आते हैं इमाम हुसैन। उमैयद वंश के यजीद और तीसरे इमाम हुसैन के मध्य करबला के मैदान में जंग हुई, जिसमें इमाम हुसैन उनके पुत्र उनके भाई के पुत्र आदि परिवारजनों की हत्या कर दी जाती है और उन्हीं की याद में मुहर्रम के महीने में ताजिए निकाले जाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।